आपका क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशंस। देखो क्या दिया है, 4z + 3 = 6 + 2z, 1 by 1 देखेंगे हम। तो आपको इस पे करना क्या है, वेरिएबल्स जो भी वेरिएबल्स है दैट मीन्स ए बी सी डी अप टू जेड, उसको एक साइड में लेकर आना है और दूसरे को कांस्टेंट जो बच जाएगा उसको आपको राइट साइड में लेकर आना है। ठीक है, तो ये देखो आपका क्या हो रहा है, यहां पर 4z और यहां पर 2z है, 2z को हम लेफ्ट में लेकर आएंगे, 3 को राइट में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहां पर 4z। अब देखो राइट में है +2z, जब ये लेफ्ट में आएगा इक्वल टू के लेफ्ट में है, इट विल बिकम अ -2z, दैट इज इक्वल टू, राइट में है 6 तो 6 लिखेंगे क्योंकि इसको तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, यहां पर है +3 लेफ्ट में, राइट में जाएगा तो -3। ठीक है, नाउ 4z - 2z इज योर 2z, दैट इज इक्वल टू 6 - 3 = 3, तो z क्या हो गया आपका, z इज इक्वल टू 3, यहां पर है 2z दैट मीन मल्टीप्लाई, तो राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3/2। ठीक है, यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2x - 1 = 14 - x, x को लेफ्ट में लेकर आओ, x वाली जितने भी वैल्यू है बाकी को राइट में रखो, तो ये आपका हो जाएगा 2x, यहां पर है -x, ये लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, +x, दैट इज इक्वल टू, यहां पर है 14 और लेफ्ट में है -1, इसको राइट में लेकर जाओ क्या हो जाएगा, +1, तो ये हो गया 2x + x = 3x, दैट इज इक्वल टू 14 + 1 = 15, x इज इक्वल टू 15, यहां पर देखो क्या है 3x मल्टीप्लाई है, राइट में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड यानी नीचे की तरफ, अब इसको कट करो, 1 times ये हो गया आपका 5 times 3 से, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5। ठीक है, नेक्स्ट देखो 8x + 4 = 3 × x - 1 + 7। ठीक है, तो 8x + 4 है, तो +4 को राइट में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4 है ना, और इसको हम यहां पर ही सॉल्व करते हैं, तो ये देखो क्या हो रहा है, 3 × x = 3x -3 × 1 = 3 + 7 और +4 राइट में आ गया तो क्या होगा, -4। ठीक है, तो अब ये देखो क्या हो गया, 8x = 3x, तो 3x को लेफ्ट में लेकर आ जाओ, तो आपका हो जाएगा 8x - 3x, दैट इज इक्वल टू, अब देखो -3 - 4 = -7, -7 + 7 = 0। ठीक है, तो 8x - 3x = 5x, 5x = 0, तो x कितना हो गया आपका, 0/5, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको करना है।